सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया और उसके बाद 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए। 2000 रुपए के नोट जारी करने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 200 रुपए के नोट जारी करने वाला है। आरबीआई ने नए नोटों की छपाई भी शुरू कर दी है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि लोगों के लिए ट्रांजैक्शन को आसान करने के मकसद से इन नोटों को जारी किया जा रहा है। कुछ सप्ताह पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से इन नोटों की छपाई का आदेश दिया है। इस समय सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में इन नोटों की छपाई का काम चल रहा है। पहले प्लानिंग थी कि इन नोटों को जुलाई में जारी किया जाएगा, लेकिन अभी इसमें कुछ देर हो सकती है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।